हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SECRTA में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी पेपर में देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को 100% DA मिलना लगभग तय। यह बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों कि जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता में 4% की बढ़ोतरी होगा। महंगाई भत्ता को लेकर के सभी कर्मचारियों में बहुत ही खुशी का माहौल है कि जनवरी 2021 में 4% DA लगभग मिलना तय है। इस अखबार में भी दिया गया है, तो आप लोग इस अखबार में देख सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोग जैसे जानते हैं कि महामारी के चलते देश को लॉकडाउन कर दिया गया था और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार ने 18 महीने के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता अर्थात DO को बंद कर दिया गया था। जो महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से लगभग मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं जनवरी 2020 में 4% DA मिलने का अनुमान था और जुलाई 2020 में 3%, तो टोटल 7% DA होता है। और फिर से दोस्तों, जैसे कि अभी अखबार में देख रहे हैं कि जनवरी 2021 में 4% DA मिलेगा, तो टोटल महंगाई भत्ता आपका 11% होता है और अभी वर्तमान में आपको 17% महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो उसमें 17% हो गया, अभी जो 11% मिला है वह हो गया, तो 28% की बढ़ोतरी होगा। यही इस अखबार में दिया है कि आप लोगों का जो महंगाई भत्ता है उसमें आपका जुलाई 2021 से 28% महंगाई भत्ता का भुगतान होगा। तो दोस्तों, इससे बहुत ही अच्छी खबर है और इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत ही खुशी का माहौल है कि अब 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। और दोस्तों, एक और अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 2021 में भी 4% महंगाई भत्ता बढ़ने का अनुमान है। तो अगर ऐसा होता है तो 28 फिर से 4 32% महंगाई भत्ता मिलेगा, जिसका भुगतान आपका जुलाई 2021 से तो लगभग संभव नहीं है, आपका जनवरी 2022 से आपको 32% का भुगतान होगा। तो दोस्तों, इस महंगाई भत्ता के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।